शरद पवार यांनी म्हटलेलं आहे की वज्रमूठच्या कोणत्याही सभेला मी हजर राहणार नाही, काय नाही? मला असं वाटतं की दोन सभा ऑलरेडी झालेल्या आहेत वज्रमूठच्या, आणि पवारसाहेब या दोन्ही सभेला नव्हते. वज्रमूठच्या सभेला कोण नेते हजर राहणार आणि नाही राहणार हा विषय महत्त्वाचा नाही आहे. तिन्ही पक्षाची सभा एकत्रित होणार हा विषय महत्त्वाचा आहे याच्यामध्ये. आता समजा संभाजीनगरच्या सभेला नाना पटोले नव्हते, नागपूरच्या सभेला अशोकराव चव्हाण नव्हते, पण पृथ्वीराज चव्हाण आले होते, असं होऊ शकतं ना. त्यामुळे कोण असणार आणि कोण नसणार व्यक्ती याच्या दृष्टीने महत्त्वाचं नाही, पण तिन्ही पक्षाचे कोणते आणि कोणते प्रतिनिधी असणार हे महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं हा विषय आपण फार त्याची चर्चेची आवश्यकता नाही. पवार साहब ने जिस तरीके से कहा कि 2024 तक महाविकास आघाड़ी इंटैक्ट रहेगी, इसकी गारंटी नहीं है. आज उनका इंटैक्ट है, इसका मतलब 24 तक रहेगी? देखो, हम महाराष्ट्र में जो वज्रमूठ सभा कर रहे हैं हर जगह, वो इंटैक्ट का मैसेज देने के लिए ही कर रहे हैं. अभी संभाजीनगर में हुई, नागपुर में हुई, अभी मुंबई में है, और ये सब इंटैक्ट का प्रतीक ही हम बता रहे हैं. इसका मतलब हम इंटैक्ट रहना चाहते हैं और इंटैक्ट रहेंगे. नहीं, पवार साहब जो बयान दे रहे हैं उसके बाद बीजेपी कह रही है कि इसका संकेत है. पवार साहब बड़े नेता है, उनके बयान का काफ़ी मीनिंग होता है, और विपक्ष एकजुटता जो है वो कायम होने से पहले ही बिखर रही है. इस बात का विपक्ष बिखरेगी ये सपने में बीजेपी में रहने दो. विपक्ष सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं तो देश की एक जगह हो रही है, इसलिए बीजेपी बौखला गई है. अरे, इसलिए छोटा सा कोई एक आधा वक्त करते तो उसका बड़ा ये बना डालते हैं, वैसा कुछ भी नहीं. अभी के स्थिति में शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पूरे महाराष्ट्र में गांव-गांव सभा कर रही है, और आने वाले समय में हम तीनों पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट रहकर इस महाराष्ट्र में परिवर्तन करने वाले. कल उद्धव जी ने जो भाषण किया पाचोरा में, उसको लेकर मुख्यमंत्री इन्होंने भी आज कहा है कि निषेध व्यक्त किया है कि प्रधानमंत्री का देश पूरा परिवार है, और उनके ऊपर इस तरह से विफल मतलब निराश होकर वो टिप्पणी दे रहे हैं. क्या टिप्पणी दे? मुख्यमंत्री जो भी समझो, लेकिन सत्यता उद्धव जी ठाकरे साहब ने ये जनसभा में बताई है. प्रधानमंत्री ने जो जो अभिवचन दिए थे 2014 में, उन्होंने सही में हिंदुस्तान के जनता के हाथों में कटोरा ही दिया है. ये सत्यता उद्धव जी ने रखी सामने, उसमें क्या झूठ है? इसमें पर्सनल लेने की क्या जरूरत है? कौन सा आदमी खुश है आज? महिलाएं खुश है, बेरोजगार युवक खुश है, कौन खुश है आज? कोई खुश नहीं. इसलिए कटोरा एक प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उद्धव जी ने सच बात कही है. कल पवार साहब ने और एक बात कही थी कि अजीत पवार को लेकर, कि अजीत पवार को लेकर दबाव जो है वो है, कोई अगर जा रहा है उनके तोड़ने की रणनीति कोई बना रहा है तो हो भी सकती है, उस पर वो काम भी कर सकते हैं, यानी कि बीजेपी उनको तोड़ भी सकती है, लेकिन हम अपनी भूमिका पर कायम है, उस पर बाद में बताएंगे. मैं समझता हूँ ये राष्ट्रवादी कांग्रेस का इंटरनल विषय, शिवसेना ने उसमें प्रतिक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं. थैंक यू. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा. तसं सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.